नमस्कार जी। हाँ, आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो आज शिक्षक जगत की अहम महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले आज शिक्षक भर्ती पेपर लीक के मामले में फाइल ट्रांसफर के आदेश होते ही मिली सूचना। शेर सिंह की दाढ़ी बड़ी मैले कपड़ों में था पहचाने मिले। 4 घंटे पकड़ा गया। वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक प्रकरण में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश भूपेंद्र शरण को जैसे ही पकड़ में आया तो आबू रोड की सरकारी स्कूल का वाइस प्रिंसिपल अनिल मीणा उर्फ शेर सिंह गायब हो गया। उदयपुर पुलिस टीमों ने आबू रोड और आरोपी के गांव में छापेमारी की, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आया। इस बीच कुछ दिन पहले उदयपुर पुलिस ने शेर सिंह की एक महिला मित्र को भी पकड़ा था। तो ये थी भूपेंद्र शरण ने जिस व्यक्ति से पेपर लिए थे उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और माना जाता है उड़ीसा में वो 3 महीने से मजदूरी कर रहा था। 7 महीने बाद चुनाव। शिक्षा मंत्री भी डॉक्टर कल्ला भी कह चुके हैं कि सी सत्र नियुक्तियां दे दी जाएंगी। राजस्थान में 7 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं। पिछले 10 वर्षों में इतनी ज़्यादा संख्या में किसी भी सरकारी विभाग में भर्ती नहीं हो पाई है। यह भर्ती भी पूरे होने में करीब 2.5-3 साल हो गए। हालांकि शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी टी कल्ला ने कहा शैक्षणिक सत्र 2023-24 की शुरुआत में जुलाई अगस्त ही 48,000 शिक्षकों को स्कूल में नियुक्ति दे दी जाएगी। अब चूंकि बोर्ड रिजल्ट इसी महीने में घोषित कर देगा तो पोस्टिंग भी जल्दी मिल जाएंगी। सितंबर अक्टूबर में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में सरकार इससे पहले इस प्रक्रिया पूरी करने में लगी है। शिक्षक भर्ती की पहली बार परीक्षा 26 सितंबर 2021 को पूरे राज्य में हुई थी। इसका पेपर लीक होने पर इसे करीब 2 महीने बाद निरस्त कर दिया गया था। उस वक्त करीब 25 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करवाई थी। राजस्थान सरकार ने विपक्ष के दबाव, बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन और पुलिस की जांच में लगातार होते खुलासे के बाद इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा पेपर लीक में 1 करोड़ में सारण को बेचा था पेपर। सारण को पेपर बेचने वाला शिक्षक शेर सिंह पकड़ा। उड़ीसा में मजदूर बना था। दो बड़े सवाल, पेपर लीक का सरगना सुरेश डाका आखिर कहाँ है? शेर सिंह को पेपर कहाँ से मिला? अमरवेल कहाँ है? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उज्जैन में भी काटी फरारी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो, तब तक लीजिए जय भारत।